इतना अच्छा अच्छा रील भेजती, मुझे पता ही नहीं चलता यार। ना तुम देखते ही नहीं हो। मैं किस किस को रील भेजती हूँ? मैं एक अपने आप को रील भेजती हूँ, एक मामा को भेजती हूँ, एक को मैं भेजती हूँ, और मेरे पास है ही नहीं कोई रील भेजती। और बाकी नोटिफिकेशन, जो चलो मैं नोटिफिकेशन ऑन करके रखता हूँ। लोग लाइक हाँ करते हैं, टुटुम टुटुम टुटुम, दिमाग खराब करता है। मैं काम कर रहा, मिक्सिंग कर रहा होता हूँ, टुटुम टुटुम। चलो ऑन करता हूँ नोटिफिकेशन, हो गया। आवाज नहीं आई। अच्छा हुआ, मैंने ने? कहा अच्छा हुआ रील्स की आवाज नहीं आई। किसको? यहाँ लाइव पे तुम्हें कितनी अच्छी रील्स भेजते हैं, तुम देखते क्यों नहीं हो? कैसे भेजते हैं रील्स? मैं भी भेजता हूँ। जाके शेयर पे जाके पहला मेरा आईडी होता है और दूसरा तुम्हारा होता है, मैं तुम्हें सेंड कर। एक बार ना हम लोग बैठे थे और हम लोग क्या क्या कर रहे थे, हम लोग बर्गर लेने गए थे। तो तुमने जो मेरा इंस्टा देखा था उसमें क्या था? फोल्डर बने हुए थे, जो अलग से एल्बम बने हुए थे जिसमें, हाँ, रील्स का हाँ वो, रील्स तुम्हारे वो ड्रीम्स। हाँ कि क्या करती रहती है तो। यार जस्ट चेंजेस तो होता है ना, लड़की 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 लड़के में बहुत चेंजेस होता है। मतलब अच्छा लगता है, तुम लड़की हो, अगर ऐसी मैं हैबिट लड़का होना, होता तो नहीं ऐसी हैबिट होना लड़कियों का होता है ना, तो लड़की अच्छा लगता है। मैं तो हर लड़की अच्छी लगती है, मतलब नहीं खास लगता हम हूँ। थोड़ी करते, हम रील्स सेव करके उसको, ये मैंने फ्यूचर में ये करूंगा, मैं रील्स सेव करके उनका ये करूंगा। अच्छा मुझे तो पता, क्या फेंक दो फेंक दो उधर, फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो, खिड़की से फेंक दो, है ना? हम करते हैं, लड़के कभी करते हैं रील्स सेव करके, शादी में ये पहनना, चूड़ियाँ, ये लहंगा पहनना, ये अच्छा लगता है। मतलब रील्स भेजते रहते हैं, ये तो ऐसा कभी ख्याल में नहीं आता। वैसे अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। मैं भी अब रील्स भेजूंगा आपको, शेयर में जाके सेंड करना है ना, आपके अकाउंट पे, डॉक्टर एलिया सोइफ करके ना। मैं इतना नहीं देखता हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओनली व्हाट्सएप, वो भी आपको पता है। लास्ट मैच लगाते हैं, मैं फिर जल्दी अपने मैं भी चलना है, रूम में जाती हूँ यार। मैं भी रूम में जाता हूँ। लास्ट मैच गाइस, एवरीवन थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड बिग थैंक यू फॉर हमर टंका दाई, एंड बिग थैंक बीफ छेत्री, बिग थैंक यू समीरा दीदी, बिग थैंक यू अमीना दीदी, संग्राम पौडेल, पजनी दीदी, सृजन राय, जून मेलिम्बू, मेलिम्बू मैंने को रूम, राम मोन्स्टर, संतोष, अशोक मंडल, जोगिंद्र चौधरी, संजीत लामा, थापा दुर्गा, बुद्धि तामंग, गुरुंग प्रेम, मिस्टर बिग, दिनेश कार्की, माया दो, म चाहिँ 20 जनाको नाम लिन्छु है टप। थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्ट, अरूको कसले सपोर्ट गर्नुभएको थियो, सम्पूर्ण धेरै धेरै धन्यवाद, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। जे होस् आइदिनु भयो, गीत सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै खुसी छौँ हामी। इसकी कैप्टन जब लास्ट मैच है, हमें इसमें स्कोर चाहिए। ओके ट्राई टू विन दिस मैच। लास्ट मैच आप लोग थैंक सो मच फॉर द रोजेस टू एवरीवन जिस पर एंड क्या फॉलो कर रहा हूं, जिस जिसने फॉलो किया उनका कम ऑन पुश। आज दूसरा माइक है, आज मैंने ये माइक चला दिया, अच्छा आता है ये माइक से, अच्छा आता है ना आज। डबल टैप, थैंक यू इमान अली, थैंक यू सो मच रुमा। मेरे 2-3 मिलियन कर दिनु तो।
डबल टैप डबल टैप डबल टैप डबल टैप डबल टैप, ओनली 200K रिमेनिंग. एवरी वन डबल टैप डबल टैप. स्क्रीन में हानि रहने के लाइक्स लाइक 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 लग 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 लग. लास्ट सॉन्ग रे, लास्ट सॉन्ग गाए कौन सा गाना गाऊं यार लास्ट. तुम क्या मिले हम ना रहे हम, तुम क्या मिले ना कसम. अच्छा गाया करो यार तू, थोड़ा मुश्किल है गाना. हाँ लेकिन बहुत अच्छा गाते हो. जी इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके गाऊंगा, तो मैंने नहीं किया है, थोड़ा सा ट्रैक एडिट करना पड़ता है इसका, पड़ेगा इसका. चलो गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन. लास्ट में तू चले हम चले, गाइस लास्ट में तू चले नहीं हम चले चले, कितना अच्छा गाना है. वंस अपॉन अ टाइम, देखो भाई मेरा भी गला है, बैठता है भाई, इतना पुश मत करवाओ, बस हो गया. आप लोग बस गिन के बैठो, मैं जब लाइव आता हूँ और लाइव इन करने तक मैं कितना गाता हूँ, तो इस हिसाब से आप सोचो और फिर बोलो. ओके चलो एलिया क्वीन बिग रेस्पेक्ट, एलिया क्वीन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय LIFE. Oh, thank you so much for coming in my LIFE. So big respect always. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका. बस दिल से हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब हमेशा शुक्रगुजार, हमेशा सलाम करता हूँ आपको हमेशा. Always. दिल से बोल रहा हूँ. सूर्य इस्लाम को सूर्य इस्लाम बनाने में आपका बहुत बस गुड लक हो गया. चलो चलो इमोशनल हो जाऊंगा मैं, फिर रो दूंगा. सच में मैं कभी ये इसका मैं आपको चुका नहीं पाऊंगा इसका. कुछ नहीं कितना डांटते हैं फिर भी कोई बात नहीं, वो भी कम लगता है मुझे. पागल चलो चलो एंड करो लाइव. एंड नहीं होता, एंड होता है. हाँ एंड करो. नीचे बोलो. एंड कर दो. तुम लाख डांट करो वो भी कम लगता है मुझे, क्योंकि वही बोल रहा हूँ कितने भी डांटो कितने भी गाली दो. मैं वो स्टोरी सुनाई थी ना, इतनी अच्छी लगती है. हाँ कटोरी वाली, हाँ वो वाली, हाँ
फ्रॉग वाली स्टोरी सुनाई थी ना मैंने तुम्हें, बोलिए बाउल बोलिए, वाली, बाउल वाली, बाउल सुनाओ देखो यार बोलिए। भूल गए याद करो, जब मैंने तुम्हें मारा था और मैंने तुम्हें डांटा भी था, और फिर उसके बाद मैंने तुम्हें कहा था सब मुझे डांट रहे थे कि तुम इसको क्यों डांटती हो, याद करो याद याद नहीं आ रहा है। करो। चलो अभी मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ ना प्लीज। हाँ बोलो, याद करो। ठीक है, मेरे जैसा एक बच्चा होता है, ठीक है, वो लाइक अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मा बच्चा कैसा बनता है, तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटा हम ना एक कटोरी रख देते हैं, उस आपको भी मैंने ऐसे ही रखा था, आपको भी ऐसे ही पैदा किया, एक कटोरी बाहर रख देते हैं तो खुदा की तरफ से उसमें एक बच्चा सुबह पड़ा होता है और हम उठा लेते हैं आपको, ठीक है, ऐसे आपको भी मैंने उठा लिया था, ऊपर वाले ने दिया था, ठीक है, तो वो मेरे जैसा होता है, वो कहता है ठीक है भाई मैं भी कटोरी रखूंगा, तो वो कटोरी रखता है और उस कटोरी के अंदर सुबह सुबह मेंढक का बच्चा पड़ा होता है, ठीक है, अब वो कटोरी बंद करके उसको घर लेके जा रहा होता है कि ये मेरा बच्चा है, अब वो घर लेके जा रहा होता है और मेंढक बाहर छलांग लगा देता है बार बार, वो घर लेके जा रहा होता है उसका ख्याल रखने के लिए वो फिर छलांग लगा देता है बाहर, वो ना उसकी कटोरी को बंद करके कहता है अगर तुम मेरी औलाद ना होते ना तो मैं यही पाँव के नीचे दे देता मैं, ठीक है, तो देखो मैं तुम्हारे भले के लिए करती हूँ मैंने बोला था ये भी मुझे ना वैसा ही है, ये भी मुझे कटोरी वैसे मिला है, तो मैं भी इसको डांटती हूँ इसके भले के लिए डांटती हूँ, ठीक है, हाँ, समझ एक गया। दिन कटोरी में पड़े मिले हो, तो मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा है, ठीक है, अभी मैं इसका ख्याल रखूंगी, लेकिन ये फिर फुदक के फिर वहीं जाता है, फिर वहीं जाएगा ये, ठीक है, मैं इसको बचाने के लिए इसको घर लेके जा रही हूँ ना, ख्याल रखूंगी इसका, नहीं इसको वहीं फुदकना है फिर से, याद है, हाँ, तो मैं इसलिए इसको डांटती हूँ ताकि इसका अच्छा हो, ठीक है, चलो अगर तुम मेरी औलाद ना होते ना, नहीं तो यही तुम्हें रगड़ देती है, ठीक है, समझ गया गाइस, सब सब लोग समझ गए, मैं भी समझ गया। चलो इसी कहानी के साथ हम लाइव एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइस। बोलती चलें हूँ कॉल दीजिए। थैंक यू सो मच। नींद लगी है। फिर हमारे उधर भी काम है ना, आप और मेरा थोड़ा सा। अभी कहाँ मन भरा है? अभी अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। चलो नहीं ना वही काम करेगा ये, छलांग लगाएगा मैं छलांग छलांग इसलिए लगाता कि तुम मुझे प्यार से फिर वो ईट कटोरी में रखो। लगाएगा प्यार से, अपनी हाथों से मुझे उस कटोरी तुम में मेरी फिर से औलाद ना रखो। होती ना मैं तुम्हें अभी लगा देती, क्या करूं मजबूर हूँ घर जो मैंने आगे मेरे कहा ना को, वो दिल से कहा है, हमेशा इसको याद रखना आप। कभी दिल से वो कभी नहीं हटेगा, नेवर। कोई नहीं थैंक यू, तुम चाहते हो तो भाई तारीफ करो, मैं नहीं करूंगी, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं जो है वो ये बोल रहा हूँ, मैं बस सच बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से यही यही है भाई, दुनिया जो कुछ भी बोले मुझे जी फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से तो यही है भाई, बस। चलो थैंक यू।
साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र साथै यो भिडियो राम्रो लागेछ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू मैले त राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला। धन्यवाद।